दोस्तों, दुनिया भर की जाने कितनी लड़कियों के दिलों पर राज करने वाले हॉलीवुड के हैंडसम हंक टॉम क्रूज अपनी बीवियों के दिल पर राज नहीं कर पाए। लड़कियों में सुपरहिट ये हीरो अपनी बीवियों में फ्लॉप साबित हुआ है। टॉम क्रूज की पूर्व पत्नी और ऑस्कर अवार्ड विजेता अभिनेत्री निकोले किडमैन ने टॉम से शादी टूटने के लंबे अरसे बाद कहा है कि टॉम से 11 साल की विवाह के रिश्ते में उन्होंने कभी भी खुशी नहीं मिल पाई। टॉम के साथ वह कभी भी खुद को सहज महसूस नहीं कर पाई। निकोले ने कहा कि टॉम से शादी टूटने के बाद ही उनकी मुस्कुराहट वापस लौट पाई और अब जो उनके पति हैं, उनके साथ वह बेहद सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। दोस्तों, टॉम क्रूज की दूसरी पत्नी कैटी होम्स से उनका विवाद जग जाहिर है ही। कैटी भी टॉम से खुश नहीं रहीं। इससे पूर्व टॉम की सबसे पहली पत्नी की गई शादी सिर्फ 3 साल ही टिक सकी। ऐसे में तो यही कहा जाएगा कि टॉम अपनी पत्नियों में सुपर फ्लॉप साबित हुए, क्योंकि एक पत्नी से विवाद की बात तो मानी जा सकती है, लेकिन तीनों शादियां असफल हो जाए तो बात सोचने वाली है। तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।